12 जून विश्व बाल श्रम निर्देश दिवस के रूप में दुनिया भर में मनाया जाता रहा है। बावजूद इसके विगत 4 वर्षों में बाल श्रम से पीड़ित श्रमिकों की संख्या दुगनी हो चली है। आज भी दुनिया भर में पारिवारिक मजदूरी का शिकार लाखों बच्चों के द्वारा बाल श्रम को अपनाया जाना मजबूरी है। आज के दिन की सार्थकता तभी सिद्ध हो सकती है जबकि ऐसे बच्चों की पहचान कर उनकी मदद के लिए एनजीओ के साथ साथ सरकारी स्तर पर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से श्रम में करवा कर उन्हें शिक्षा प्रदान करवाए जाने के लिए जागरूक किया जाना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुसार किसी उद्योग कल कारखाने या की कंपनी में मानसिक या शारीरिक श्रम करने वाले 5 से 14 वर्ष उम्र के बच्चों से बाल श्रम करवाया जाना गैर कानूनी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विगत 4 वर्षों में बाल श्रमिकों की संख्या 84 लाख से बढ़कर 1.6 करोड़ तक जा पहुंची है। एक और जहां ILO की रिपोर्ट के अनुसार 5 से 11 साल के बाल श्रम के शिकार बच्चों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है तो वहीं 5 से 17 वर्ष के बच्चों की खतरनाक कार्य में संलिप्त होने की संख्या बढ़कर 7.9 करोड़ तक पहुंच गई है जो कि चिंता का विषय है। भारत में बाल श्रम निषेध दिवस को लेकर वर्ष 1986 में नियम अधिनियम पारित किया गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से श्रम करवाया जाना कानूनी अपराध है। इसके साथ ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 बच्चों को खतरनाक उद्योग और कारखानों में काम करने की अनुमति नहीं देता तो वही धारा 45 के अंतर्गत देश के सभी राज्यों को 14 साल से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिया जाना अनिवार्य है। एक और जहां दुनिया भर से बाल श्रम को समाप्त किया जाना आसान नहीं है तो वहीं भारत जैसे बहुसंख्यक देश में बाल श्रम किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं रह गया है। बाल श्रम उन्मूलन हेतु वर्ष 1986 में बने बाल श्रम अधिनियम एवं वर्ष 2016 में बने बाल श्रम संशोधन अधिनियम के अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से बाल श्रम करवाया जाना अपराध है। बावजूद इसके माँ के उधर से कभी कोई भूखा चोर उचका या मजदूर पैदा नहीं होता, परिस्थितियां उसे हर उस कार्य के लिए विवश करती रही हैं, जिसे वह पैदाइश तौर पर नहीं करना चाहता। ऐसे में कोरोना महामारी के दौर में जहां बेरोजगारी में इस कदर बढ़ोतरी हुई है कि माता पिता के रोजगार चले जाने के बाद परिवार का खर्चा चलाने के उद्देश्य से परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करना अनिवार्य हो चला है। बाल श्रम का मूल कारण गरीबी है जिसका मूलन किया जाना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत वयस्कों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाते हुए बच्चों को उचित शिक्षा मुहैया करवाया जाना ही विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की सार्थकता का मूल आधार होगा।